हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? बच्चों, आप सभी का आज के इस नए लेक्चर में दिल से स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में, या प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में, और समझते हैं कि आखिर प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती हैं और उनकी काइनेटिक्स को किस प्रकार से स्टडी किया जा सकता है। तो सबसे पहले बच्चों, हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं। हम यहां पर लिख रहे हैं कि रिएक्शंस इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन, बच्चों क्या द रेट ऑफ रिएक्शन बोले तो अभिक्रिया का वेग, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर, टू द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन, टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्वड इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो बच्चों, आपने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है, जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया का वेलोसिटी या वेग रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो वो रिएक्शंस क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहलाती है। तो आइए, ये बात, ये लाइनें क्या साबित करना चाह रही है वो हम आगे विस्तार से समझते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, पूरा अपन अच्छे तरीके से एक्सेस में पूरी चीज़ों को अपन समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर काइनेटिक्स को समझते हैं अपन। तो जैसे आप मानिए कि कोई रिएक्शन हो रही है बेटा, और यहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट ए से बन रहा है कोई प्रोडक्ट, रिएक्टेंट ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। और हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये वाली जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करिए। तो देखिए, हम सबसे पहले लिख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का रेट लिख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा, यहां पर सबसे पहले अपन लिख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। बच्चों, हमने कुछ लेक्चर्स के पहले रेट लॉ के बारे में पढ़ा था, आपको याद हो तो। रेट लॉ के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन का रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, और पावर लगेगी यहाँ पर बच्चों वन। पावर वन क्यों लगेगी, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करिए। ये रिएक्शन क्या कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, पहली बात। और इसी को मैं बोल रहा हूँ बेटा इक्वेशन नंबर वन, क्या बोल रहा हूँ, इक्वेशन नंबर वन। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, रेट को हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा के k और a की पावर वन, इसको लिख रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर टू। बेटा इतना क्लियर है क्या, हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, मैं रिपीट कर दूँ थोड़ा सा। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में होता क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहूँ कि यदि मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को दुगना करूँगा तो रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया का वेलोसिटी या अभिक्रिया की स्पीड भी बेटा डबल हो जाएगी। मैं इसको फोर मल्टीप्लाई करूँगा, चार गुना करूँगा, तो ये भी बेटा चार गुना हो जाएगा। तो बराबर रेशियो में जब दोनों चीज़ें चल रही है तो यहाँ पर पावर कितना लगेगा, पावर लगेगा वन। बहरहाल एक तरीके से तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को इस प्रकार से लिख सकते हैं इसी रिएक्शन का। दूसरा हम लिखे कि रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है, और इस बार किसके अनुसार लिख रहे अपन, देखो इधर बेटा, अपन लिख रहे अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन रेट
बिटवीन रेट एंड स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री। तो रिएक्शन की जो स्टोइकियोमेट्री होती है और जो रेट होता है इसके बीच एक रिलेशन था, और उस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो जाएगा माइनस का वन बाई वन डी ए बाई डी टी। क्या हो जाएगा? वन बाई वन डी ए बाई डी टी। बेटा ये पूरी चीज़ें क्या चल रही है और क्यों लिखी जा रही है, इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रीवियस वीडियोज़ को स्टडी करना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझ में आने लगेगी कि रेट लॉ के अनुसार चीज़ों को इसे क्यों लिखा, और जो आपने रिएक्शंस की स्टोइकियोमेट्री और रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसके बीच रिलेशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें इसे क्यों लिखी। ओके, इसको बोल रहा हूँ मैं रिएक्शन नंबर या इक्वेशन नंबर थ्री। इतना क्लियर है? अब आगे हम चलते हैं। देखो, हम लिखेंगे यहाँ पर बाई इक्वेजन, बाई इक्वेजन टू और थ्री। बेटा आप देख रहे हो कि इक्वेजन नंबर टू में एल एच एस के पार्ट बराबर, इधर भी आर की इक्वल में है, इधर भी आर की इक्वल में है, तो बेटा इनके एल एच एस के पार्ट भी बराबर होंगे, यानी एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होंगे ही। तो यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, कि माइनस का वन बाई वन डी ए बाई डी टी, और ये बेटा इक्वल हो जाएगा अपना के ए की पावर वन के। अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस और डी टी को तो इधर ला रहा हूँ और ए को ले जा रहा हूँ मैं दूसरी साइड, तो इसी को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ डी ए बाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का के डी टी, माइनस का के डी टी। और इसको बेटा अपन इक्वेजन नंबर फोर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इक्वेजन नंबर फोर बोल रहे हैं। और अब अपन को इसका इंटीग्रेशन लिख रहे, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि टेक बोथ साइड्स इंटीग्रेशन, बोथ साइड्स इंटीग्रेशन ऑफ रिएक्शन, या इक्वेजन लिख देंगे बेटा इसको, इक्वेजन ठीक है, इक्वेजन ऑफ इक्वेजन फोर। और ये जो आप इंटीग्रेशन करोगे बेटा, आप लिखोगे कि यहाँ पे टी बराबर जीरो हो, जीरो सेकंड के ऊपर ए की कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी बेटा वो ए नॉट होगी, और टी बराबर टी सेकंड के ऊपर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी वो ए बराबर ए हम मान रहे हैं। तो इसका इंटीग्रेशन अपन अब आगे करें तो किस प्रकार से इसको लिखेंगे, इंटीग्रेशन डी ए बाई ए, और बेटा यहाँ पर यह हो रहा है इंटीग्रेशन ए नॉट से लेके ए तक, और इसके बराबर में मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन माइनस का के डी टी, और ये हो रहा है जीरो से टी सेकंड के बीच, और इसको लिख रहा हूँ मैं इक्वेजन नंबर फाइव। देखो ये यहाँ पर मैं इसको कर दूँ थोड़ा अंडरलाइन, ये है लास्ट इक्वेजन ये। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप इसको राइट कीजिए, उसके बाद हम समझते हैं कि आगे हमको क्या लिखना और क्या समझना है। ले लीजिए। तो बच्चों अब इक्वेजन नंबर पाँच के बाद आगे की प्रोसेस हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हम इक्वेजन नंबर जो आपकी है इक्वेजन नंबर फोर है, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं और इंटीग्रेशन इस प्रकार से लिख दिया। अब देखो डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन होगा लॉग बेस ई की पावर ए, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको लिखूँगा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ये ए नोट से ए तक इसका इंटीग्रेशन होगा, और यहाँ पर देखो के माइनस का और डी टी का इंटीग्रेशन हुआ टी, और ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है इंटीग्रेशन, जीरो से लेके टी सेकंड तक ये इंटीग्रेशन हो रहा है। आगे आप देखिए इसी को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, लॉग बेस ई की पावर ए माइनस लॉग बेस ई की पावर ए नॉट, और बेटा ये इक्वल हो रहा है माइनस का के टी के, इसके इक्वल हो रहा है माइनस के टी की, ये चीज़ इक्वल हो रही है। ओके, मैं बेटा इसको इस तरफ ला रहा हूँ अपोजिट साइड, तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई की पावर ए बराबर हो जाएगा लॉग बेस ई की पावर ए नॉट, और इधर हुआ माइनस का के टी। आपको पता होगा बच्चों कि लॉग बेस ई की पावर जो अक्ष होती है इसको यदि अपन लॉग बेस 10 में चेंज करें तो क्या लिखेंगे, 2.303 लॉग बेस 10 अक्ष, इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे लिखेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, लॉग बेस ई को लॉग की पावर या लॉग बेस 10 में चेंज कर रहा हूँ, तो देखिए क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, हम लिखेंगे यहाँ पर लॉग बेस 10
हाँ, 10 में चेंज करें तो लिखूंगा 2.303 लॉग बेस 10 की पावर ए बराबर होगा बेटा 2.303 लॉग बेस 10 की पावर ए नॉट माइनस का के टी। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इस यहाँ से 2.303 को हटाने के लिए दोनों तरफ प्रत्येक पार्ट को, हर एक पार्ट को बेटा मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2.303 से, 2.303 से। तो यहाँ पर तो बचेगा आपके पास लॉग बेस 10 की पावर ए इक्वल लॉग बेस 10 की पावर ए नॉट, और यहाँ पर डिवाइडिंग के बाद बचेगा माइनस का के टी बटा 2.303, 2.303 बेटा 2.303। और इक्वेशन नंबर इसको कौन सी दे सकते हैं अपन, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 6। इतनी बात क्लियर है क्या, इतनी बात क्लियर है क्या? तो आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। और हम देखो इसी इक्वेशन को और किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये लॉग बेस सॉरी लॉग 10 ए नोट को वापस इस तरफ में भेजूं, तो देखो लॉग बेस 10 की पावर ए माइनस का लॉग बेस 10 की पावर बेटा ए नोट और माइनस का के टी। अब क्योंकि के टी बेटा 2.303, ये माइनस हटाऊंगा तो दोनों तरफ पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो बेटा यहाँ पर देखो आपका क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 की पावर ए नोट तो हुआ प्लस का और लॉग बेस 10 की पावर ए हुआ माइनस का, और इधर ये अपना के टी बाई 2.303, ये वाली जो इक्वेशन थी ये पूरी हो चुकी है प्लस की। ओके, इसके आगे बेटा ऊपर लिखे क्या, या इसको मिटा देता हूँ अभी, उस साइड का मिटा रहा हूँ बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे। अब देखिए आगे मैं क्या कर रहा हूँ, खैर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन नंबर इसको आप 7 दे दो, कि लॉग 10 ए नॉट माइनस लॉग 10 ए को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्या आप मुझे बताएंगे किस प्रकार से, लॉग बेस 10 की पावर ए नोट बाई ए और इधर अपने पास बच रहा है के टी बाई 2.303। मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि आपको पता होगा लॉग बेस 10 की पावर अक्स 2 माइनस लॉग बेस 10 की पावर अक्स 1, ये बराबर होता है लॉग बेस, देखो इसको इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, ये एक फॉर्मूला होता है बेटा कि लॉग बेस 10 की पावर अक्स 2 माइनस का लॉग बेस 10 की पावर अक्स 1, इसको लिख सकते हैं लॉग बेस 10 की पावर अपन अक्स 2 बटा अक्स 1, ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन में इस प्रकार से लिख रहे हैं। बेटा मुझे टी का फॉर्मूला चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो टाइम का फॉर्मूला चाहिए तो 2.303 को इधर भेज रहा हूँ मैं, ऊपर चला गया ये, और के को इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, और अपना लॉग बेस 10 ए नोट बाई ए, ये पूरा का पूरा बेटा इस प्रकार से आपके पास ये फॉर्मूला आपको अचीव हो रहा, प्राप्त हो रहा या ऑप्टेन हो रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 8 दे दो। और ये वाला फॉर्मूला बेटा आपको न्यूमेरिकल्स करने में ज़्यादा काम में लेना है, कौन सा, न्यूमेरिकल्स के लिए आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है। इतनी बात क्लियर है, ये वाला फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए आपको ये काम में लेना है, बाकी बेटा आप बोर्ड एग्जाम्स के बच्चे हो ना तो फिर आपको ये पूरी डेरिवेशन अच्छे तरीके से आनी चाहिए, है ना, और कौन कौन से, क्योंकि जब भी अपन नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जहाँ पर ग्राफ्स वगैरह की बात होगी तो हम हर एक फॉर्मूले को हटाएंगे और उठाकर फिर सारी चीज़ों के बीच में आपस में कॉम्बिनेशन वगैरह बिठा के ग्राफ्स प्लॉट करेंगे हर एक चीज़ के बीच, तो आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे उस टाइम। देखो बेटा कौन कौन सा, एक तो ये वाला फॉर्मूला आपको काम आएगा और ये वाला फॉर्मूला काम आएगा और सबसे ज़्यादा ये वाला फॉर्मूला हमको काम आएगा, ये तो बेसिक एक फॉर्मूला टर्म है, इसको बेटा मिटा दूँ क्या मैं, तो सबसे पहले आप इतना राइट कर लीजिए, इतना आप राइट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब ना मैं इसको मिटा रहा हूँ, मिटा दिया मैंने इसको, अब देखो इधर, अब इसी फॉर्मूले का एक और फॉर्म होता है, एक और फॉर्म इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो अभी लास्ट टाइम आपने एक फॉर्मूला देखा था कि लॉग बेस
ई की पावर ए माइनस लॉग बेस ई की पावर ए नॉट। बेटा सबसे शुरुआती टाइम में देखो आपने देखा होगा ये रहा, इसी की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर था माइनस का के टी। बेटा मैं इसको वापस किस प्रकार से लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे, लॉग बेस ई की पावर ए बाई ए नॉट बराबर माइनस का के टी। बेटा इसको दे दूँ इक्वेशन नंबर 9, और मैं क्या कर रहा हूँ इसका ले रहा हूँ टेक एंटी लॉग, एंटी लॉग ले रहा हूँ बेटा मैं, तो ये लॉग यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर देखो ये किस प्रकार से मैं इसको लिखूँगा ए बाई ए नोट बराबर हो जाएगा ई की पावर माइनस का के टी, और ए नोट को भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हो जाएगा ए नोट ई की पावर माइनस का के टी। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की काइनेटिक्स का। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ग्राफ्स वगैरह प्लॉट करने में काम आएगा आप हमारे के बीच और ए के बीच इस प्रकार से। हाँ यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा, एंटी लॉग लेते हैं ना बेटा, तब आपको पता होगा जब भी कोई चीज़ हो जिसमें लॉग ई की पावर एक्स लिखी हो और बराबर में वाई हो, अब मेरे को इसका एंटी लॉग लेना है तो क्या लिखूंगा मैं, इसी को लिख सकता हूँ एक्स बराबर ई की पावर वाई, एक्स बराबर ई की पावर वाई, तो इसका एंटी लॉग लूंगा तो मेरे पास एक्स बराबर ई की पावर वाई में लिखूंगा, ये इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा है। ठीक है बेटा, ये आपने लिख लिया होगा, इतना राइट कीजिए फटाफट से या स्क्रीन शॉट लीजिए बिल्कुल भी, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं टॉपिक, और इस बार अपना टॉपिक है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं यानी रासायनिक बलगतिकी पढ़ रहे हैं, तब हमारा काम है कि रिएक्शन के रेट से रिलेटेड हमको पूरी चीज़ें फाइंड करनी आनी चाहिए बेटा, है ना। तो हाफ लाइफ का मतलब है कि आपको वो टाइम फाइंड करना है जिस टाइम के ऊपर रिएक्शन में 50% रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका हो, जितने टाइम में हमको हर एक चीज़ ज्ञात करनी आनी चाहिए बेटा, हर एक चीज़ कि कहाँ पर कितनी कितने टाइम के बाद कितनी रिमेनिंग कंसंट्रेशन बच रही है वो हमको पता होनी चाहिए, है ना। और हाफ लाइफ, लाइफ टाइम, वो सारी, चलो सबसे पहले देखते हैं अपन हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर टी बराबर तो होगा टी हाफ, बोलेंगे अपन इसको टी हाफ, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी बचनी चाहिए, वो बचनी चाहिए ए नोट बटा टू, क्योंकि अभी देखो आपने एक फॉर्मूला देखा था जस्ट, टी बराबर था 2.303 बाई के लॉग बेस 10 ए नोट बाई ए। यहाँ पर आपको पता है ए नोट जो था ना बेटा वो था इनिशियल कंसंट्रेशन, क्या था इनिशियल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, और ए जो थी बेटा वो था रिमेनिंग कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, यानी जिस टाइम जैसे अपन हाफ लाइफ के ऊपर जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी वो कितनी बचेगी, इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी बचेगी ना, यानी कितनी अपने पास पीछे रिएक्टेंट कितना बच रहा है, अपन को रिएक्टेंट से मतलब है यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ले रहे हैं वो किसकी ले रहे हैं, रिएक्टेंट की ले रहे, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, और हाफ लाइफ के ऊपर ए क्या है, यहाँ पर ए है रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो इसी फॉर्मूले में मैं ये जो वैल्यूज है ना ये पुट कर रहा हूँ, ये दोनों वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, इसको आप इक्वेशन नंबर 10 दे दो, उसके पहले जो भी हो चुकी थी, तो इसको बोलना हमें 1/2 2.303 बाई के बेटा लॉग 10 ए नोट, और ए को लिखूंगा मैं ए नोट बाई 2। अब देखो ए नोट से ए नोट कट जाएगा, मैं मार्कर चेंज कर लेना है, ए नोट से ए नोट कट गया इधर, और ये 2 अभी ऊपर जाएगा और लॉग 10 की पावर बन जाएगा, तो बन जाएगा देखो टी हाफ बराबर हुआ 2.303 बाई के, और यहाँ पर प्यारे बच्चों लॉग 10 की पावर 2। और आपको बच्चों कुछ चीज़ें पता होगी लॉग की पावर्स के बारे में, जैसे लॉग 10 की पावर 2 का वैल्यू होता है 0.3,
लॉग 10 की पावर बेटा 3 का वैल्यू होता है 0.48, लॉग 10 की पावर 5 का वैल्यू होता है अपने पास तो बेटा कितनी होती है 0.7, और लॉग बेस 10 की पावर 7 का वैल्यू होता है 0.85 के आसपास। तो आपको ये कुछ एक वैल्यू तो याद होनी चाहिए, बाकी आप छोड़ो। तो यहाँ पर लॉग बेस 10 की पावर 2 का वैल्यू 0.3 है, जो मैं यहाँ पर पुट कर लेना है। तो टी हाफ बराबर हुआ बेटा 2.303 बाई के, और इसका वैल्यू हो गया 0.3। बेटा जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब अपने पास आता है टी हाफ इज इक्वल टू आता है 0.693 बाई के। और ये वाला जो रिलेशन आपको मिल रहा है इक्वेशन नंबर 11 में, वो मिल रहा है हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट के बीच। तो पूछ ले आपको कि रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, तो आपको ये वाला रिलेशन बताना है, और यही आपको काम में भी लेना पड़ेगा। तो आप बेटा ये राइट कीजिए, और उसके बाद हम देखते हैं लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मेरे ओके प्यारे बच्चों, अब अपना टॉपिक है लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो डाल लेता हूँ टॉपिक में, इस बार अपना टॉपिक है लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। बेटा रिएक्शन तक ठीक है, पूरा टॉपिक डालने में क्या अपन, आप डालो पूरा टॉपिक कि लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो फिर से यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर टी को मैं बोलूँगा टी लाइफ टाइम, तो टी एल एफ में यहाँ पर बोलूँगा, है ना। और यहाँ पर बात करूँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, तो वो अपने पास होगी रिमेनिंग कंसंट्रेशन जीरो। देखो लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर लिखूँगा कि टाइम इन विच द रिएक्शन कंप्लीट्स 50%। बेटा जिस टाइम में रिएक्शन 50%, ओ हो, सॉरी 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 बेटा, कंप्लीट्स 100%, है ना। तो जिस टाइम में रिएक्शन पूरी 100% कंप्लीट हो जाए ना, यानी पूरा का पूरा रिएक्टेंट चेंज हो जाए, कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, उस टाइम को हम बोलेंगे लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर ए का मतलब है रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन, जब पूरी रिएक्शन हो ही चुकी है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ बचेगी क्या, पीछे नहीं बचेगी ना, इसलिए मैंने यहाँ पर ए बराबर लिखा है जीरो। तो देखिए अभी दोबारा से आपने एक फॉर्मूला सा पढ़ा था क्या, कि 2.303 बाई के, और बेटा लॉग बेस 10 की पावर ए नॉट बाई ए। इसी फॉर्मूले में ये वाली दोनों वैल्यूज आप पुट करो, तो इसको तो मैं क्या बोलना है, इसको बोलूँगा मैं टी एल एफ बराबर 2.303 बाई के, और बच्चों आगे मैं लिखूंगा लॉग बेस 10 ए नॉट, और ए की पावर कितनी, सॉरी ए का वैल्यू कितना है 0। और आप सबको पता है जब नीचे अपन 0 का किसी में डिवाइड करते हैं, तो बेटा अपने पास आंसर आता है इनफाइनाइट। और ये क्या बात इंडिकेट कर रही है कि कभी भी रिएक्शन आपको पता है 100% कंप्लीट होती नहीं है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती है, ये बात इंडिकेट कर रही है। या फिर दूसरे वर्ड्स में भी बोलना चाहूँ तो 100% कंप्लीट होने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एक तरीके से बोले तो इनफाइनाइट सेकंड्स या इनफाइनाइट टाइम्स लगेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कैन नॉट बी कंप्लीट्स, कैन नॉट बी कंप्लीट्स 100%, ये बात आप यहाँ पर बोल सकते हो। तो यहाँ पर आज का अपना जो भी टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। और बच्चों अगले वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के ग्राफ्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में पूरा स्टडी करेंगे, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ना नीट में आईआईटी में आए हुए, उन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे, उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो बच्चों में